दोस्तों, अगर इमरजेंसी में आपको पैसों की आवश्यकता पड़ गई है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें कि इमरजेंसी में आपकी पैसों की नीड को कंप्लीट कर सकती है। और इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ आपके पास में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास में इनकम प्रूफ नहीं है, तब भी भाई इस एप्लीकेशन से आप 101% लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका लोन 100% यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे एक व्यूअर्स का इस एप्लीकेशन के थ्रू पूरे 2000 रुपए का लोन अप्रूव किया जा चुका है। अब ये 2000 रुपए लाइव मेरे बैंक अकाउंट में लेकर आपको दिखाने वाला हूं और सेम प्रोसेस को आप फॉलो करिए, तब आपके भी बैंक अकाउंट में ये लोन का पैसा आप काफी इजी प्रोसेस के साथ में ले पाएंगे। तो भाई बने रहे इस वीडियो में, कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, भाई एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन मुझे 2000 रुपए का लोन ऑफर करी है, तो ऐसा नहीं कि आपको भी सेम अमाउंट का ये एप्लीकेशन लोन दे देगी। भाई आपको मुझसे ज्यादा भी लोन मिल सकता है या फिर 1500 रुपए तक का भी एप्लीकेशन आपको लोन दे सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और लोन अप्लाई करने का आपको मैं लाइव प्रोसेस यहां पर दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का अगर आप एक भी पार्ट मिस करेंगे, एक भी पार्ट को आप छोड़ देंगे, तो भाई आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी गलती होगी, फिर कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग इधर उधर की बातें बोलते रहेंगे। तो भाई आप इधर साइड में देख सकते हैं, मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और फिलहाल मैंने एप्लीकेशन को छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन को ब्लर किया हुआ है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, इसी के बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। ज्यादातर लोग, अगर एप्लीकेशन का नाम मैं पहले ही बता देता हूं तो ज्यादातर लोग भाई वीडियो को प्रोसेस अच्छे से देखते नहीं है, बस एप्लीकेशन का नाम पता चलते ही खुद से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ गलती करते हैं और नतीजा उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों पहले 5-7 मिनट का टाइम निकालकर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको अच्छे से देखना है, इसी के बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका लोन सक्सेसफुली भाई अप्रूव हो जाए, कुछ गलती ना करे और आपकी पैसों की नीड यहां पर कंप्लीट हो जाए। पर प्ले स्टोर पर देखेंगे तो एप्लीकेशन को 4.3 की यहां पर रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 4.3 की एक काफ़ी बड़ी बात है रेटिंग लाना। इसी के साथ में आप यहाँ पर डाउनलोडिंग की बात करें तो एप्लीकेशन को 1 मिलियन प्लस लोग यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। अगर एप्लीकेशन के बारे में आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन के बारे में और भी ज़्यादा आप लोग जान सकते हैं। इसके अलावा तो भाई एप्लीकेशन हम लाइव लोन अप्लाई करके ही देखने वाले हैं, अबाउट सेक्शन में जाने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन RBI एंड NBFCs के सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो डॉक्यूमेंट देते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को आप ही के सामने मैं यहां पर लाइव इंस्टॉल करके डाउनलोड करके ओपन करूंगा और लोन अप्लाई करने का आपको मैं यहां पर लाइव प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन से सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पर ही क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते ही सभी चीजों को आप यहां पर परमिशन देंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं लोकेशन, डिवाइस, SMS सभी चीजों को आप यहां पर परमिशन देंगे। तो ये परमिशन देने के लिए सिंपली चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है, अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। अब यहां पर नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो एप्लीकेशन आपसे मोबाइल नंबर मांग रही है, तो भाई आपको अपने मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है। ध्यान रहे, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक हो, और हो सके वहां तक आपके बैंक अकाउंट से भी यही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो मोबाइल नंबर है वो हम यहां पर फिल करेंगे और OTP से हमारे मोबाइल नंबर को हम सक्सेसफुली यहां पर वेरीफाई कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, भाई OTP को हम यहां पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं तो OTP आ चुकी है, OTP यहां पर लग चुकी है। सिंपली हम यहां पर वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। सिर्फ आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी, पर्सनल डिटेल डालनी होगी एंड भाई लोन का ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। लोन का पैसा इजीली आप अपने खाते में ले पाएंगे। तो सिंपली हम यहां पर गेट केस के बटन पर ही क्लिक करेंगे। गेट केस के बटन पर क्लिक करते ही आप यहां पर देखेंगे अब आपका जो पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो नेम आपको यहां पर फिल करना है, जो पैन कार्ड पर आपका नेम है एंड आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर डालना है। दोनों चीज आपको यहां पर फिल करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आप लोग यहां पर देखेंगे आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपको यहां पर फिल करना है। पैन कार्ड के नंबर फिल करते ही फिर से आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है वो फुल नेम देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं RU इन्फॉर्मेशन करंट, आपने जो पैन कार्ड की डिटेल और डेट ऑफ बर्थ है वो करंट है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है, या फिर पुरानी है तो आपको नो पर क्लिक करके करंट डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे तो सिंपली हम यस पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे आधार को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ चुका है, तो आधार कार्ड की तो मेरी जो KYC है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आधार
ओटीपी पर ही हम क्लिक करेंगे। जो स्पष्ट नंबर का ऑप्शन है सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली हम जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे आधार कार्ड के जो नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। तो एंटर ओटीपी वाले सेक्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम ओटीपी जैसे ही फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड पर जितने भी डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर फैच हो जाती है और हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम ओटीपी फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड आधार कार्ड के थ्रू हमारी KYC हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में एंटर लोन अमाउंट। अब भाई आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता, यानी कि आपको कितने रुपये का लोन चाहिए। तो आपको जितने रुपये का भी लोन चाहिए वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जितने भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर कन्फर्म योर डिटेल के तौर पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डिटेल मैंने यहाँ पर पहले ही फिल कर दी थी। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे आपका मेरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है फिर नहीं हुई है, आपका एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है, आप सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉई है, आपका जो बैंक में आपका पैसा आता है वो किस मोड के थ्रू आता है, आपकी कंपनी का नेम एंड आपकी इंडस्ट्री का नेम, आपका डिजिग्नेशन एंड आप मंथली कितना पैसा कमाते हैं, सैलरी डेट, ये बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना है जो कि मैंने पहले यहाँ पर फिल कर दी है। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करना है, सारी चीज़ें कंफर्म है। अगर सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म है तो आपको कंफर्म के बटन पर ही क्लिक करना है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनल कुछ देर यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा एंड हमारे लिए एक लोन ऑफर निकाल कर दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन मुझे पूरे 2000 रुपये का लोन ऑफर कर चुकी है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पर ये एप्लीकेशन 2000 रुपये का लोन दे रही है तो आपको भी सेम अमाउंट का पर लोन मिलेगा। भाई आपका लोन अमाउंट मुझसे ज्यादा हो सकती है, फिर मुझसे कम भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको कम अमाउंट का लोन नहीं चाहिए तो आपको यहां पर नीचे अपग्रेड अमाउंट का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, अपग्रेड अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ और डिटेल यहां पर मांगी जाएगी, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ। आप ये दोनों देने में अगर सक्षम है तो आपको यहां पर जो 2000 रुपये का लोन मिला है इसको बढ़ाकर 20-25-30 हज़ार रुपये तक यहां पर कर दिया जाता है, या फिर आपके पास में इनकम प्रूफ या बैंक डिटेल वगैरह नहीं है तो सिंपली आपको यहां पर नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। इससे पहले 2000 रुपये पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेज लगे वो सारी चार्जेस आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और ये 2000 रुपये लाइव हमारे बैंक अकाउंट में लेकर आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम रिवील कर देता हूं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो भाई साहब आप इधर साइड में देखेंगे तो अगर फिर से हम मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और सिंपली आपको टाइप करना है राम फिनक्रो पर्सनल लोन ऐप, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं। अब दोस्तों हमारा जो लोन है वो तो यहां पर अप्रूव हो चुका है 2000 रुपए को। अब इस 2000 रुपए को हम किस प्रकार हमारे बैंक अकाउंट में लेंगे वो हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारी इस लिमिट को हम यहां पर अपग्रेड नहीं करेंगे, हम यहां पर 2000 रुपए का ही लोन रखना चाहते हैं। तो 2000 रुपए का हम यहां पर लोन रखना चाहते हैं तो सिंपली हम यहां पर नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे, या फिर अमाउंट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपग्रेड अमाउंट पर क्लिक करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही सीधे हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल मांगी जा रही है। तो दोस्तों आपको वही बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करना है जिस बैंक में ये लोन का पैसा आप लोग यहाँ पर चाहते हैं और ऑटो पे सेटअप आप कर सके वही बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देना है। तो एंट्री यहाँ अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो यहाँ पर IFSC कोड है वो IFSC कोड आप इस कोड वाले पेज पर आपको यहाँ पर फिल करना है एंड बैंक नेम आप यहाँ पर फिल करना है। बैंक डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे, सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। बैंक डिटेल देने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको एक लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा। लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करते ही जो लोन का पैसा है आपको अपने बैंक खाते में आधे से एक घंटे के अंदर भाई इजीली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी और काफ़ी ट्रस्टेड ये लोन एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और आपको लोन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल का जो YouTube वाला सेक्शन है उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है और ऊपर जो सर्च बार वाला आइकन शो हो रहा है इस पर आपको टाइप करना है LOAN लोन ए पास्ट अप्रूवल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आगे सिंपली आपको टाइप करना है DIGITAL डिजिटल IQ डिजिटल लोन अप्रूवल डिजिटल IQ ये वाला आपको लिखना है और सिंपली आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी काफ़ी सारी वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इन वीडियोज में से आपको एक वीडियो चुननी है और किसी न किसी एप्लीकेशन से आपको कन्फर्म लोन देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस एक बार आप ज़रूर आजमाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।